उत्तर प्रदेश के मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वकील और याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह को कथित तौर पर हत्या की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या की धमकी देने का आरोप जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी आगरा के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी पर लगा है। कुरैशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कुरैशी के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 153, 153 ए, 506 और सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम की धारा 63 के तहत मंटोला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच महेंद्र प्रताप सिंह ने हत्या की धमकी मिलने के बाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। एक न्यूज मीडिया को बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शाही ईदगाह मामले में एक वकील के और याचिका करता हूं। मुझे कुछ और लोगों से धमकियां मिली हैं, इसलिए मैंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि मैंने ASI को कानून को नोटिस भेजकर आगरा के शाही जामा मस्जिद परिसर में बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाई गई भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को वापस किए जाने की मांग की है। जाहिद कुरैशी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और इसलिए मुझे सुरक्षा कवर की आवश्यकता है। इस बीच आगरा जिले के SSP सुधीर कुमार सिंह ने जाहिद कुरैशी के भड़काऊ बयान की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जाहिद कुरैशी ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आगरा की जामा मस्जिद में भड़काऊ टिप्पणी की थी। उसके भाषण की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम दूसरों को सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान देने और सोशल मीडिया पर डालने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि जाहिद कुरैशी को बयान जो वायरल हो रहा है, इसमें कुरैशी को कहा जा सकता है कि चाहे ये हिंदुस्तान किसी भी एजेंसी को लेकर आ जाए, उस दिन हम सबको अपने गले रेतवाने हैं यहाँ पर, तब जाकर ये मस्जिद की खुदाई करें। ये हर जगह ऐसा ही करते आ रहे हैं और इनके हौसले बढ़ गए हैं। कुरैशी ने महेंद्र प्रताप सिंह को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जाहिद कुरैशी ने अपने बचाव में कहा कि मंदिर या मस्जिद इनके मुद्दों पर भाजपा शामिल नहीं हो रही, बल्कि महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग हैं जो आगरा में शाही जामा मस्जिद खोदने के बारे में इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। हम किसी सरकार या राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि महेंद्र प्रताप सिंह जैसे व्यक्तियों के खिलाफ है।